हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं हूं एमजे। फ्रेंड्स, सबसे पहले आप सभी को जन्माष्टमी की ढेर ढेर शुभकामनाएं। तो आज के दिन फ्रेंड्स, एक स्पेशल वीडियो मैंने आपके लिए बनाई है, यानी कि जन्माष्टमी स्पेशल वीडियो बनाई है, भगवान कृष्ण से रिलेटेड है। यानी कि आज की वीडियो में मैं आपको ऐसे प्लांट्स, ऐसे फ्लावर्स बताने वाला हूँ जो भगवान कृष्ण को पसंद है। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले फ्रेंड्स, भगवान कृष्ण को ऐसे प्लांट्स पसंद थे, ऐसे फ्लावर्स पसंद थे जो बहुत ही ज़्यादा फ्रेग्रेंस फैलाते हैं, यानी कि जिसकी खुशबू बहुत ही अच्छी आती है। उनमें से सबसे पहला प्लांट आ जाएगा फ्रेंड्स, वो है जैस्मिन वेराइटी के प्लांट्स। जैस्मिन वेराइटी के प्लांट में आपको मिल जाएंगे जूही, बाद में चमेली, बाद में कुंद, मधुकामनी, ये सारे प्लांट्स फ्रेंड्स जैस्मिन वेराइटी के प्लांट्स हैं। मोगरा, ये भी आ जाएंगे। तो ये सारे प्लांट्स फ्रेंड्स बहुत ही अच्छी खुशबू फैलाते हैं। तो ये प्लांट फ्रेंड्स आप अपने घर पे ला सकते हो और इसके फूल भी फ्रेंड्स आप अपने भगवान कृष्ण को चढ़ा भी सकते हो। दूसरा प्लांट जो फ्रेंड्स भगवान कृष्ण को पसंद है, वो है रजनीगंधा। जी हाँ फ्रेंड्स, रजनीगंधा के फ्लावर्स भगवान कृष्ण को बहुत ही ज़्यादा पसंद है, क्योंकि इसकी जो खुशबू आती है ये फ्लावर की, वो बहुत ही अच्छी आती है। रजनीगंधा के फ्लावर्स फ्रेंड्स अभी आप आराम से ग्रो कर सकते हो। इसके बल्ब्स आते हैं, बल्ब्स अभी आप लगा सकते हो। अब ऑलमोस्ट 2-3 महीने के अंदर फ्रेंड्स ये प्लांट खिल जाएगा, इसके फ्लावर्स खिल जाएंगे और आपके गार्डन में इसकी खुशबू भी फैल जाएगी। लेकिन फ्रेंड्स, एक चीज़ का ध्यान रखिए, ये प्लांट अगर आप बंच में ग्रो करोगे तो बाद में इसकी खुशबू बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग निखर के आएगी। तीसरा प्लांट है फ्रेंड्स, वो है कृष्ण कमल, यानी कि राखी का प्लांट। राखी का प्लांट भी फ्रेंड्स एक फ्रेग्रेंस फैलाने वाला प्लांट है। और अभी फ्रेंड्स ये सीजन में राखी के प्लांट आप ग्रो कर सकते हो। अबाउट 1-2 महीने के अंदर अंदर ये प्लांट आपको बहुत ही अच्छी ब्लूम्स देना भी स्टार्ट कर लेंगे। मेरा भी प्लानिंग है फ्रेंड्स कि ये कृष्ण कमल का प्लांट मैं परचेज करूँ। कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट मुझे अपने गार्डन में करना होगा, थोड़ी सी स्पेस करनी होगी ताकि ये प्लांट मैं अपने गार्डन में इंक्लूड कर सकूँ। चौथा प्लांट है फ्रेंड्स, वो है हरश्रृंगार, यानी कि फ्रेंड्स हमारे जो नाइट जैस्मिन के प्लांट। हरश्रृंगार के प्लांट फ्रेंड्स हमेशा विष्णु भगवान के फेवरेट रहे हैं और ये प्लांट भी फ्रेंड्स अभी से फ्लावरिंग्स देना स्टार्ट कर लेंगे। ये प्लांट आप अभी ग्रो कर सकते हो और अप टू फ्रेंड्स पूरे विंटर्स में ये आपको बहुत ही अच्छी ब्लूम्स दे सकते हैं। मेरे प्लांट ने अभी तक ब्लूम्स देना स्टार्ट नहीं किया है, बस वेट कर रहा हूँ कि बहुत ही जल्द ये प्लांट मुझे बहुत ही अच्छे फ्लावर्स देना स्टार्ट कर ले। पांचवा जो प्लांट है फ्रेंड्स, वो एक प्लांट यानी कि वो एक पेड़ है। वो आप घर में पॉट के अंदर तो इसको ग्रो नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये बहुत ही बड़ी ग्रोथ, क्योंकि ये वो अपनी ग्रोथ बहुत ही ज़्यादा बढ़ाता है। और वो ट्री का नाम है फ्रेंड्स, वो है पलाश। पलाश के ऊपर बहुत ही सुंदर फ्लावर्स होते हैं, लेकिन फ्रेंड्स इसके ऊपर फ्रेग्रेंस आपको उतनी देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन ये जो पलाश का जो फ्लावर है, ये भगवान कृष्ण का फेवरेट फ्लावर्स में से एक है। और आप इसके जो पेड़ है वो अपने लॉन या तो गार्डन में लगा सकते हो, इसके ऊपर बहुत ही खूबसूरत फ्लावर्स देखने को आपको मिल जाएंगे। छठा जो प्लांट है वो भी एक पेड़ है और ये भी फ्रेंड्स आप अपने लॉन में लगा सकते हो, और उसका नाम है फ्रेंड्स कदम। कदम के फ्लावर्स फ्रेग्रेंस फैलाते हैं और इसके जो फ्लावर्स के कलर्स है वो भी बहुत ही सुंदर कलर्स इसके आते हैं। तो इसका भी पेड़ आप अपने लॉन में लगा सकते हो, आगे चल के ये प्लांट भी आपको बहुत ही अच्छे फ्लावर्स दे सकता है। आठवां जो प्लांट है फ्रेंड्स, वो है वाटर लिली, यानी कि कुमुद। वाटर लिली फ्रेंड्स आप अपने घर के टेरेस पे भी लगा सकते हो या तो आप अपने लॉन में भी लगा सकते हो। इसके लिए आपको बड़ा सा टब लेना होगा और वहाँ पे ये वाटर लिली लगा सकते हो। वाटर लिली का फ्रेंड्स मेरा प्लानिंग था, लेकिन स्पेस की कमी की वजह से फ्रेंड्स मैं वाटर लिली अपने गार्डन में ऐड नहीं कर पाता। बाद में नौवां जो प्लांट है वो है माधवी लता। ये एक ऐसा प्लांट है फ्रेंड्स जो बहुत ही पुराना प्लांट है हमारे इंडियन हिस्ट्री में। और ये जो प्लांट है फ्रेंड्स, इसकी जो फ्लावर्स की जो खुशबू आती है वो बहुत ही अच्छी आती है। लेकिन प्रॉब्लम वाली बात ये है कि ये जो माधवी लता का प्लांट है फ्रेंड्स, ये इजीली हर नर्सरी में नहीं मिलता। या तो आप इसको ऑनलाइन परचेज कर सकते हो या तो नर्सरी वालों को आपको स्पेशली बोल के रखना होगा कि ये प्लांट आपके लिए मंगवा के रखें। नर्सरी वाले पता नहीं ये प्लांट क्यों नहीं रखते, या तो लोग ये प्लांट को भूल गए हैं या तो नहीं रखना चाहते। वैसे फ्रेंड्स, ये माधवी लता के जो फ्लावर्स आते हैं बहुत ही अच्छे फ्रेग्रेंस फैलाने वाले फ्लावर्स आते हैं। तो ये प्लांट भी आप अपने गार्डन में इंक्लूड कर सकते हो एक फ्रेग्रेंस फ्लावर्स के तरीके से। बाद में दसवां प्लांट है फ्रेंड्स, वो है हरी चंपा। हरी चंपा आप ये जो हमारे दूसरे जो चंपा के प्लांट आते हैं उसके साथ कंपेयर मत करें। हरी चंपा फ्रेंड्स मैग्नोलिया फैमिली से है, यानी कि जो सोन चंपा आते हैं उसकी फैमिली से है। लेकिन फ्रेंड्स ये जो प्लांट है, इसकी फ्रेग्रेंस बहुत ही अच्छी और स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस आती है। और ये प्लांट भी बहुत ही ज़्यादा रेयरली आपको नर्सरी में देखने को मिलेंगे। ऑनलाइन भी अगर आप सर्च करोगे तो जनरली ये प्लांट आपको आउट ऑफ स्टॉक ही देखने को मिलेंगे। तो कोई भी आप जो अच्छी जेन्युइन ऑनलाइन नर्सरीज है, जैसे कि nurserylife.com है, ugao.com है, बाद में प्लांट्स गुरु है, ये बहुत सारी अलग अलग नर्सरीज है जो ऑनलाइन प्लांट सेल करती है, वहाँ पे भी फ्रेंड्स ये प्लांट आउट ऑफ स्टॉक ही आपको जनरली देखने को मिलेगा। अगर आपके या किसी के या भी फ्रेंड्स ये हरी चंपा का प्लांट
अगर आपको देखने को मिल जाए तो वहां से इसकी कटिंग ले लीजिए और कटिंग ग्रो कर लीजिए। वैसे फ्रेंड्स इसकी कटिंग भी आसानी से लगती नहीं है, लेकिन फ्रेंड्स ये जो प्लांट है इसके फ्लावर्स की फ्रेग्रेंस बहुत ही अच्छी आती है, स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस आती है। तो ये प्लांट भी फ्रेंड्स हमारे कृष्ण भगवान को बहुत ही ज़्यादा प्रिय थे। हमें दसवां प्लांट आ जाता है, वो है कर्णिकर। कर्णिकर भी फ्रेंड्स एक पेड़ है, वो एक प्लांट नहीं है। वो आप अगर आपके पास बड़ा सा लॉन हो तो बाद में ये प्लांट आप ग्रो कर सकते हो। वहाँ ये प्लांट आगे चल के एक बड़ा सा एक पेड़ में कन्वर्ट हो जाएगा और उसके ऊपर भी बहुत ही सुंदर फ्रेग्रेंस वाले फ्लावर्स लगेंगे। तो ये ट्री भी फ्रेंड्स आप कंसिडर कर सकते हो। बाद में बारहवां प्लांट है फ्रेंड्स, वो है मालती। मालती मतलब मधुमालती की मैं बात नहीं करता। ये जो प्लांट है फ्रेंड्स इसके ऊपर व्हाइट कलर के फ्लावर्स आते हैं जो बहुत ही अच्छी फ्रेग्रेंस फैलाते हैं। और ये जो मालती का जो प्लांट है वो एक बेल है। और ये जो प्लांट है फ्रेंड्स ये प्लांट भी इजीली हर नर्सरी में नहीं मिलता। ये प्लांट को भी फ्रेंड्स हमें बहुत ही ज़्यादा ढूंढना पड़ता है, या तो हम ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं। ऑनलाइन में भी फ्रेंड्स कई बार ये प्लांट जो है वो आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है। तो ये प्लांट भी आप कंसीडर कर सकते हैं, ढूंढिए। अगर आप चाहते हो आपके गार्डन में बहुत ही अच्छे फ्रेग्रेंसफुल फ्लावर्स आते रहे तो बाद में ये मालती की जो बेल है ये भी आप कंसीडर कर सकते हो। बाद में 13वां प्लांट यानी कि 13वां प्लांट जो है वो है हमारा अपराजिता का प्लांट। अपराजिता का प्लांट यानी कि विष्णु प्रिय प्लांट, इसको विष्णु प्रिय भी बोलते हैं। ये प्लांट भी फ्रेंड्स हमारे भगवान विष्णु को पसंद है, यानी कि हमारे भगवान कृष्ण को पसंद है। ये प्लांट फ्रेंड्स आप कंसीडर कर सकते हो, आप अपने घर के पॉट के अंदर भी ये प्लांट लगा सकते हो। बहुत ही सुंदर ये प्लांट आपको फ्लावर्स दे सकते हैं, लेकिन ये प्लांट के अंदर से आपको इतनी फ्रेग्रेंस देखने को नहीं मिलेगी। अब 14 प्लांट मैं आपको बताने वाला हूँ फ्रेंड्स जो भगवान कृष्ण को पसंद है और वो प्लांट फ्लावर्स नहीं देता है, वो प्लांट हमारा तुलसी जी का पौधा है। इतने सारे प्लांट्स के तो फ्लावर्स के नाम तो दे दिए फ्रेंड्स, लेकिन फाइनली अगर ये प्लांट को हम कंसीडर नहीं करेंगे तो ये सारे प्लांट्स हमारे अधूरे रह जाएंगे। तुलसी जी के प्लांट जो तुलसी जी का पौधा है वो हमेशा भगवान विष्णु का प्रिय पौधा रहा है और ये पौधे का इंक्लूजन करना ज़रूरी था, इसलिए फाइनली फ्रेंड्स मैंने ये पौधे का इंक्लूजन कर लिया है। तो ये प्लांट आप हर एक के घर में होगा, उसमें मुझे बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। हर एक के घर में तुलसी जी के पौधे होते हैं और तुलसी जी के पौधे फ्रेंड्स आप कटिंग से भी लगा सकते हो ये मॉनसून की सीज़न में। तो उसकी वीडियो फ्रेंड्स मैं कल बनाऊंगा तो आप वो वीडियो देख सकते हो। बहुत ही इजीली फ्रेंड्स ये मॉनसून की सीज़न में ये तुलसी जी के पौधे की कटिंग लग सकते हो। ये हिसाब से फ्रेंड्स आप तुलसी जी के पौधे की मल्टीप्लीकेशन भी कर सकते हो। तो इतने प्लांट्स हैं फ्रेंड्स जो भगवान विष्णु को पसंद है। अब इनमें से फ्रेंड्स कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो शायद मैंने मिस भी कर लिए हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में वो प्लांट का नाम बता सकते हो, जो फ्लावर्स का नाम बता सकते हो। अगर आपके जहन में कोई भी ऐसा प्लांट हो जो भगवान विष्णु भगवान कृष्ण को पसंद है जो मैंने ये लिस्ट में ऐड नहीं किए हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो। तो अगर आपको किसी भी टाइप का कन्फ्यूजन हुआ फ्रेंड्स ये टॉपिक से रिलेटेड तो आप मुझे कॉमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, मैं आपको रिप्लाई दूंगा। टिल देन के लिए थैंक यू फ्रेंड्स एंड हैप्पी जन्माष्टमी।